सनम जावेद कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर, आलिया हमजा और यास्मीन राशिद को भी कुर्बानियों का सिला मिल गया। मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई की तरजीही फहरिस्त सामने आ गई। तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई तरजीही फहरिस्त सामने आ गई है। पीटीआई ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर और सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के दस्तखत से 126 नामों की तरजीही फहरिस्त जमा कराई। कौमी असम्बली में अकलियती नशिस्तों के लिए 10 जबकि खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए 21 नामों की फहरिस्त जमा कराई गई है, जबकि पंजाब असम्बली में खवातीन की नशिस्तों पर 33 और अकलियती नशिस्तों के लिए 13 नाम तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए 25 और अकलियती सीटों के लिए 11 नामों की फहरिस्त जमा कराई गई है। इसी तरह सिंध असेंबली में खवातीन के लिए 3 और अकलियतों की रिजर्व सीट्स पर 10 नामों की लिस्ट जमा कराई गई है। तफसीलात के मुताबिक कौमी असेंबली के लिए जमा कराई गई मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त में सनम जावेद, आलिया हमजा, कमल शोजब, सिमाबिया ताहिर, रेहाना डार और नादिया खटक वगैरह के नाम शामिल है, जबकि पंजाब असेंबली में डॉक्टर यास्मीन राशिद, आयशा भुट्टा, तैयबा अमरीन, कुलसुम अकरम, सायरा रजा, फराह आगा, सैयदा फातिमा हैदर, सैयदा हिना और नीलोफर मलिक वगैरह को तरजीह दी गई है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की मखसूस नशिस्तें शहदाए 9 मई की बेवाओं को देने का फैसला किया है।